यार क्या कर रही हो? सर कैमरा थोड़ा पीछे निकाय चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला है। निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से अलग अलग जगह पर अपना परचम लहराएगी और जिन चीज़ों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, हमारे केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए भाजपा वचनबद्ध है। खास करके कमेटीज में, काउंसिल्स में, कॉरपोरेशन में केवल सफाई का काम नहीं, इसमें जो हमारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स हैं, शिक्षा केंद्र हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको भी इन कमेटी काउंसिल्स के दायरे में लाया जाए। ट्रैफिक ओपन डेफिकेशन फ्री पूरा जम्मू कश्मीर बनाया जाए, स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाएं जम्मू में, जगह जगह आबादी के बढ़ते हुए और जो शहरों की तरफ एक दौड़ लगी हुई है वहाँ पर पार्किंग की प्रावधान हो, और इस प्रकार के ओपन हेल्थ क्लब्स हमने पहले भी बहुत जगह ओपन जिम्स लगाए हैं, पार्क्स में लोगों के आने जाने की सुविधा और जो भी काम निकाय के नीचे आते हैं उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 वर्ष तक ये अपना कॉरपोरेशन चलाई, जगह जगह पर हमारे चेयरमैन भी थे और आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विशेष करके लोकल बॉडीज पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस की अधिकांश यहाँ पर सरकारें रही, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमारी ये कोशिश है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए ताकि उनको अपना एक ऐसा नुमाइंदा मिले जो कि छोटी छोटे कामों के लिए वो इजीली अवेलेबल हो, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भारतीय जनता पार्टी इसके हक में बोलती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी। चलो सर, चलो सर।